हम वाराणसी शक्ति नगर स्टेट हाईवे पर खड़े हैं और पीछे आप देख रहे होंगे कि कुछ व्यू दिखाई दे रहा है, गाड़ियां आ रही हैं जा रही हैं। और हम बढ़ रहे हैं हाथी नाला, जो पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर है वहां बढ़ेंगे। और जस्ट बगल में एक पार्क है, पार्क जिसे कि इको डाइवर्सिटी पार्क बोलते हैं। और सबसे बड़ी बात है सोनभद्र के लिए और यहाँ के पर्यटन के लिए कि वह यह पार्क जो है, जिसकी तरफ से अभी हम गुजरेंगे दुद्धी जाना है, वो पार्क भारत सरकार द्वारा और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विश्व पर्यटन के मानचित्र पर लाने की उसे कोशिश की जा रही है। जैव विविधता पार्क है और पूर्वांचल में इस तरह का यह इकलौता पार्क है जो जैव विविधता जहाँ देखने को मिलती है। वहाँ पे बहुत सी किस्म के जो औषधि पेड़ होते हैं, ऐसे पेड़ मिलेंगे। और वन्य क्षेत्र हाथीनाला का जो पूरा वन्य क्षेत्र है, यह बहुत ही आकर्षक है। और पूरी कहते हैं जंगल की जो कहते हैं ना, वृक्षों की जो वन क्षेत्र होता है, उसकी शोभा जबरदस्त देखने को मिलती है यहाँ पर। तो आप पीछे देख रहे होंगे कि यह जो स्टेट हाईवे दिख रहा है, यहाँ से भी सब कुछ नज़ारा समझ में आ रहा है। तो जो बायोडाइवर्सिटी पार्क, जिसे इको डाइवर्सिटी पार्क भी बोलते हैं, और यह तो उत्तर प्रदेश के मानचित्र में है ही। और दूसरी बात, इसका और विकास होने जा रहा है। इसको बड़े स्तर पर जो है, जो काशी से एक योजना चल रही है कि काशी से गुप्त काशी को जोड़ने की, तो उस योजना के तहत इसे जोड़ा जाएगा। आइए हम बढ़ते हैं। और इधर साइड में ये जो हाईवे जा रहा है, ये जाएगा आपका ये हाथीनाला पार्क की तरफ, और जो पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर है वहाँ तक जाएगा। तो हम बढ़ते हैं और आगे आपको बहुत सी चीज़ें दिखाते हैं।